Welcome everyone, this is our second lecture of Demystifying Mindfulness. Today our topic is how and why does it help by reconnecting the body? कि माइंडफुलनेस जो है वो कैसे हेल्प करती है बॉडी के साथ रिकनेक्ट करने में. माइंडफुलनेस ऑफ द बॉडी, एनी एक्सपीरियंस वी हैव इज रूटेड इन द बॉडी एंड कनेक्टिंग द दैट एक्सपीरियंस विल हेल्प अस फील मोर ग्राउंडेड, अवेयर एंड अलाइव. स्टेट ऑफ माइंड एक्सप्रेस इटसेल्फ एज अ फेल्ट सेंस. कि माइंडफुलनेस ऑफ द बॉडी जो है ये एक एक्सपीरियंस है जो कि जिसकी रूट्स जो होती हैं वो बॉडी के अंदर होती हैं और ये ग्राउंडेड करती है कि हम बॉडी को अपने माइंड को इस पोजीशन में लेके आए कि वो अवेयर हो और अलाइव हो और एट द प्रेजेंट मूवमेंट पे जो है वो फोकस करता हो. यानी कि माइंड की एक ऐसी स्टेट जो प्रेजेंट मूवमेंट पे फोकस करती हो और प्रेजेंट मूवमेंट के अलावा अवेयरनेस पे बेस्ड हो, फोकस अटेंशन हो इसमें एंड सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो अवेयर वाली स्टेज पे हो. इट इज़ आल्सो अ वे टू नो आवर सेल्फ, हु आर वी, वी आर पार्टली वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन आवर बॉडीज. कि इसका सबसे जो बेस्ट वे है वो ये है कि हम अपनी सेल्फ के बारे में जानें कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं. अपनी सेल्फ को जानना कि मैं क्या हूँ, किस लिए हूँ, अपने पर्पस को, अपने गोल को आइडेंटिफाई करना माइंडफुलनेस का जो है वो मेन पर्पस होता है. इसी तरह से कुछ साइंस होते हैं जो बॉडी से हमें डिसकनेक्ट कर देते हैं, साइंस ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम द बॉडी. कि बॉडी से जो है वो इंसान की डिसोसिएशन हो जाती है, वो अपनी थिंकिंग में, अपनी ओवर थिंकिंग में, अपने ऑब्सेशन में जो है वो कहीं चला जाता है और वो स्पिल्ट हो जाता है. इसको कहते हैं माइंड एंड बॉडी स्पिल्ट. अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है ऑब्सेसिव थिंकिंग, के ऑब्सेसिव थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को प्रेजेंट मूवमेंट से दूर कर देती है. ऑब्सेशन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को उसका प्रेजेंट लम्हा जो होता है, प्रेजेंट मूवमेंट जो होता है वो उसे छीन लेती है. इंसान जो है वो ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, जब ओवर थिंकिंग करता है तो वो अपने प्रेजेंट मूवमेंट को जो है वो खो देता है और खोने के अलावा उसकी जो है वो बॉडी अवेयरनेस भी कम हो जाती है, इंसान अपनी बॉडी से भी डिसकनेक्ट हो जाता है, वो ख्यालों की दुनिया में जो है वो खोया रहता है और ख्यालों की दुनिया में इस कदर खो जाता है कि उसे अपनी बॉडी की सेंस तक जो है वो नहीं रहती. यानी कि वो किसी भी चीज़ को प्रॉपरली माइंडफुलनेस वे में नहीं कर सकता, उसकी जो माइंडफुलनेस की एबिलिटी है वो कम हो जाती है क्योंकि ऑब्सेशन ज़्यादा है, ऑब्सेसिव थिंकिंग ज़्यादा है. उसका माइंड जो है वो ऑब्सेसिव थिंकिंग में बिजी है, उसका माइंड जो है वो किसी और चीज़ को परसीव नहीं कर रहा. इसी तरह से सेकेंड पॉइंट है जजमेंटल थिंकिंग और बिहेविंग. कि जजमेंटल थिंकिंग, हर टाइम जो है वो किसी को जज करना, हर टाइम जो है अपने आप को जज करना कि मैं ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा. तो जो जजमेंटल थिंकिंग है ये भी एक ऐसी चीज़ है, जजमेंटल थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग एंड बिहेविंग. एक तो जजमेंटल थिंकिंग करना एंड उसके साथ कोलैबोरेशन के तौर पे बिहेव भी वैसे ही करना लोगों के साथ, खुद के साथ कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, या वो ऐसा है, ये ऐसा है, इस तरह. तो ये चीज़ भी जो है वो इंसान को बॉडी से डिसोसिएट कर देती है. ये चीज़ जो है वो इंसान को कि माइंडफुलनेस जो है वो उससे छीन लेती है. इससे भी जो है वो माइंडफुलनेस की एबिलिटी वो कम होती है. डिस्ट्रैक्टिंग एंड नबिंग, स्पीडिंग एंड रशिंग. इसी तरह से बाकी एन्जाइटीज़ की कुछ सिम्टम्स होती हैं जिसमें स्पीडिंग हो गया, रशिंग हो गया, नबिंग हो गया, कि इंसान जो है वो स्टेबल कंडीशन में नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पीड में है, उसकी थिंकिंग जो है वो बहुत क्या कहते हैं उसे, कि बहुत स्पीड वे में जो है वो चल रही है, ओवर थिंक कर रहा है, बहुत फास्ट थिंक कर रहा है, कोई काम कर रहा है तो बहुत स्पीड में कर रहा है, हमेशा जो है वो रशिंग कंडीशन में है, कोई काम जो है वो ठहर के नहीं करता, सोच के नहीं करता, समझ के नहीं करता. तो ये चीज़ जो है ये भी इंसान को अपनी बॉडी से जो है वो डिसोसिएट कर देती है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव on the second slide, that is consequences disconnection from the body.
कि जब इंसान अपनी बॉडी से डिसकनेक्ट हो जाता है किसी भी वे में, ओवर थिंकिंग हो, जजमेंटल थिंकिंग हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट डिसएडवांटेज या कॉन्सिक्वेंसेस है वो है फिटीक, कि इंसान जो है जब अपनी बॉडी से दूर भागता है, अपनी बॉडी की नीड्स को अंडरस्टैंड नहीं करता, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं करता, तो बहुत ज़्यादा फिटीक जो है वो हो जाती है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कीप शटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ आवर सेल्फ। क्रॉनिक एन्जाइटी हो जाती है, फीलिंग कट ऑफ फ्राम लव, पावर, बॉडी एंड सो ऑन। कन्फाइन इट इन अ स्मॉल आइडेंटिटी एंड अ लिमिटेड सेंस ऑफ सेल्फ, कि जब इंसान जो है वो अपनी बॉडी से डिसकनेक्ट होता है तो उसकी सेंस जो है वो, सेल्फ सेंस जो है वो भी लिमिटेड हो जाती है, स्मॉल आइडेंटिटी जो है वो उसके अंदर आती है, और फीलिंग ऑफ कट ऑफ जो है वो फील करता है, फीलिंग जो है वो कट ऑफ की फीलिंग्स जो है वो फेस करता है। उसके बाद सिम्टम्स हैं कुछ जो कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे अपेयर हो सकती हैं, जिसमें लॉस ऑफ विटालिटी, क्रॉनिक पेन एंड स्ट्रेस एंड रिलेटेड कंडीशंस हो गई, कि इसी तरह से जो है वो क्रॉनिक पेन फील करता है, स्ट्रेस फील करता है, यानी कि ऐसे सिम्टम्स जो एन्जाइटी या फिर डिप्रेशन को डिफ़ाइन करती हैं वो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस में आ सकती हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि बॉडी को रिकनेक्ट कैसे करना है, बॉडी जो है वो, बॉडी से डिसोसिएशन क्या होती है, बॉडी से डिसोसिएशन के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू रिकनेक्ट टू द बॉडी, कि अब जब ऐसी सिचुएशन इंसान फील कर रहा है, इंसान जो है वो ओवर थिंकिंग की कंडीशन में है, बॉडी से डिसकनेक्ट है, तो उसको दोबारा बॉडी के साथ जो है वो कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है वो है माइंडफुलनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडफुलनेस का जो फर्स्ट स्टेप है वो है नोटिस, कि हमने जो है वो नोटिस करना है, व्हेन टाइम ट्रैवलिंग, प्रिडिक्टिंग एंड माइंड रीडिंग एंड कमिंग बैक, कि हमने नोटिस करना है हर चीज़ को, कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं इस टाइम, जो है वो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एनवायरनमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि नोटिस जो है वो अपनी बॉडी के हवाले से ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, पर्स बिकम अवेयर व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर बॉडी, इंसिस्ट ऑफ गेटिंग लॉस्ट इन आवर रिएक्टिव थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। You can then insist, relate differently to your experience and acting rather than react. अब पर्स वाली कंडीशन में या फिर स्टेज में क्या होता है कि हमने जो है वो अवेयरनेस लेनी होती है कि what happening, कि हो क्या रहा है, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के बाहर क्या हो रहा है, इसकी बजाय कि हम जो है वो अपनी थिंकिंग में, अपने इमोशंस में जो है वो खो जाएं, अपनी थिंकिंग को इतना ज़्यादा कर लें कि हमें बॉडी की अवेयरनेस ही ना रहे। तो पस वाली स्टेज पे हमने ये देखना होता है कि हमारी अपने आप को थिंकिंग से जो है वो थोड़ा सा कट ऑफ करके ये देखना होता है कि बॉडी जो है वो किस पोजिशन में है, बॉडी के अंदर जो है वो क्या चल रहा है, और इसके अलावा अवेयरनेस की स्टेज पर लेके आना होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है वो रिलेट करती है एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जो है वो इंसान को रिलेट करती है बॉडी से, इसमें जो है वो हम एक्ट की बजाय जो है वो रिएक्ट करना जो है वो सीखते हैं, कि अगर हम ओवरथिंक कर रहे हैं तो हमने कैसे जो है वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है, कैसे जो है वो उसको वापस इस स्टेज में लेके आना है कि हम जो है वो ये जान सकें कि हमारी बॉडी जो है वो किस कंडीशन में है, ताकि हम उसको एक्ट की बजाय उसकी तरफ रिएक्ट वाला रिएक्शन जो है वो दे सकें। उसके बाद थर्ड पॉइंट है बॉडी स्कैन। बॉडी स्कैन हेल्प्स टू रीएस्टैब्लिश connect with the body and to reconnect the conscious mind to the feeling state of the body to feel more relaxed and more at home in our bodies. ke body scan jo kya hai ये री इस्टेब्लिश करता है हमारे कनेक्शन को बॉडी के साथ, एंड हमारी फीलिंग्स को, हमारे स्टेट ऑफ माइंड को, हमारे कॉन्शियस लेवल को,
हमारी बॉडी के साथ, और इस स्टेट पे लेके आता है कि हम जो है वो फुली अवेयर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, बॉडी के बाहर क्या चल रहा है, हमारी माइंड की स्टेट क्या है, हम कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अपने माइंड को दे रहे हैं, हमारी फीलिंग्स जो है वो किस स्टेट पे हैं, ये सारा जो है वो बॉडी स्कैन के अंदर आ जाता है। और बॉडी स्कैन जो है ये माइंडफुलनेस जब प्रैक्टिस की जाती है तो बॉडी स्कैन जो है ये थर्ड स्टेप जो है वो आता है, जिसमें बॉडी स्कैन के ज़रिए जो है वो अपनी ब्रीथिंग को ऑब्ज़र्व किया जाता है। ब्रीथिंग को ऑब्ज़र्व करने के साथ साथ अपनी बॉडी की पोस्चर को जो है वो देखा जाता है और फील किया जाता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव एनी अदर स्लाइड, दैट इज़ How adopt helpful attitudes in our mindfulness practice, कि हम जो है वो किस टाइप का एटीट्यूड अडॉप्ट करें तो ये हमें जो है वो माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। अडॉप्ट सर्टेन एटीट्यूड्स। फर्स्ट वन, नॉन जजिंग ऑफ आवर सेल्फ एंड अदर्स। द सेकेंड इज पेशेंस। द थर्ड इज ब्रिंगिंग माइंड। द फोर्थ इज ट्रस्ट। द फिफ्थ इज नॉन स्ट्राइविंग। द सिक्स्थ इज एक्सेप्टेंस एंड द लास्ट इज लेटिंग गो। एंड नाउ द फर्स्ट वन इज़ नॉन जजिंग, कि जितना हमारा एटीट्यूड नॉन जजिंग होगा, हम नॉन जजमेंटल की तरफ जाएंगे, माइंडफुलनेस का लेवल जो है वो उतना इंक्रीज होगा। इसी तरह से पेशेंस है, कि हमने जो है वो अपनी एंजाइटी को पेशेंस के साथ डील करना है। अपने साथ कोई भी मिसहैप हो जाता है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन सरकमस्टेंसेस अप्स एंड डाउन्स ऐसे हो जाते हैं कि जो हमारे लिए एंजाइटी का या अनप्लेजेंट फीलिंग्स का बाइस बनते हैं, तो उनको जो है वो पेशेंस के साथ डील करना है। पेशेंस के साथ उनको टैकल करना है। पेशेंस की जो एबिलिटी है ये हमेशा माइंडफुलनेस के लेवल को इंक्रीज करती है। और जैसे ही हमारा माइंडफुलनेस का लेवल इंक्रीज होता है तो हमारे अंदर से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंशियस थॉट्स, ओवरथिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम हो जाती हैं। ब्रिंगिंग माइंड्स, कि हमेशा अपने माइंड को ब्रिंगिंग लेवल पे लेके आना है। अपने माइंड्स की एक्टिविटी को जो है वो ऑब्ज़र्व करना है, किस टाइप की इंस्ट्रक्शंस हम अपने माइंड को दे रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं कि मैं सैड हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये वो। तो इसका जो है वो ये डिपेंड करती है कि हम किस टाइप की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हम अपने माइंड को दे रहे हैं। उसके बाद ट्रस्ट है। ट्रस्ट करना है, किस पे ट्रस्ट करना है, ख़ुद पे ट्रस्ट करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, सेल्फ इस्टीम का लेवल जो है वो हमारे अंदर हाई होना चाहिए। जब ट्रस्ट की एबिलिटी हमारे अंदर होती है और हम इसको जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग करते हैं तो माइंडफुलनेस का लेवल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है। इसी तरह से नॉन स्ट्राइविंग है, कि हम नॉन स्ट्राइविंग एटीट्यूड जो है वो अपना रखना है माइंडफुलनेस को अचीव करने के लिए। उसके बाद एक्सेप्टेंस है, कि एक्सेप्टेंस का लेवल जो है वो होना चाहिए। हमारे साथ कोई मिसहैप हो गया है, हम जो है वो कोई काम नहीं कर पा रहे, हमें जो है वो फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि डिनायल वाले स्टेज पर जाना चाहिए कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे वाली कंडीशन। तो एक्सेप्टेंस की जो एबिलिटी है या एक्सेप्टेंस का जो एटीट्यूड है ये हमेशा जो है वो इंसान के अंदर होना चाहिए। एक्सेप्टेंस का लेवल जब हाई होगा हमारे अंदर तो माइंडफुलनेस ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज़ होगी। इसी तरह से लेटिंग गो, कि कोई भी बुरी चीज़ हो जाती है, कोई भी बुरा भी है कोई हमारे साथ करता है, तो उसको जो है वो लेटिंग गो वाले एटीट्यूड के साथ जो है वो डील करना चाहिए। इसी तरह से एक फेमस कुटेज है कि लेट इट ऑल गो एंड सी व्हाट स्टे विथ यू, कि सब चीज़ें जो है वो जाने दो, सबको जो है वो जाने दो और देखो कि तुम्हारे साथ जो है वो क्या चीज़ स्टे करती है, तुम्हारे साथ कौन है। इसी तरह से ये फीलिंग्स का होता है कि अपनी सारी जो है वो नेगेटिविटी, अपनी सारी जो है वो एंशियस थॉट्स, अपनी सारी जो है वो स्ट्रेस इंड्यूसेस थॉट्स को जो है वो जाने देना चाहिए। लेटिंग गो जो है वो एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे पास जो है वो क्या बचता है।
एंड नाउ डिफरेंट मैथड्स, लेट्स प्रैक्टिस. द फर्स्ट वन इज फोकस्ड अटेंशन, यूजिंग योर नॉन डोमिनेंट हैंड. नोटिस व्हाट इट फील्स लाइक दैट एंड स्टे प्रेजेंट. अब फोकस अटेंशन की जो फर्स्ट वाली स्टेज है उसमें हमने क्या करना है कि अपने हैंड्स को जो है वो यूज़ करना है बट नॉन डोमिनेंट वे में. नोटिस करना है कि हमें जो है वो किस टाइप की फीलिंग्स आ रही हैं और हमेशा जो है वो प्रेजेंट पे फोकस करना है. पास्ट को भूल जाना है, फ्यूचर के बारे में एंशियस नहीं होना, जस्ट फोकस जो है वो अपने प्रेजेंट पे रखना है कि इस प्रेजेंट मूवमेंट में हमारे पास क्या है. एंड नाउ द सेकंड स्टेप ऑफ फोकस्ड अटेंशन, दैट इज सेंसेस, कि अपने सेंसेस को जो है वो फील करना है. किस चीज़ की आवाज़ हमें आ रही है, हम कौन सी स्मेल जो है वो इस टाइम जो है वो सूंघ रहे हैं या फील कर रहे हैं, कौन सी आवाज़ें जो हैं वो हम सुन रहे हैं, कौन सा टच फील जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है. तो हमारी जितनी भी सेंसेस हैं उनको फील करना है कि प्रेजेंट मूवमेंट में हमारी सेंसेस जो हैं वो क्या फील कर रही हैं. उसके बाद थर्ड स्टेप, फोकसिंग ऑन ब्रीथ, कि हमने अपनी ब्रीथिंग को जो है वो फोकस करना है. काउंट 10 इन एंड आउट ब्रीथ्स, कि हमने अपनी ब्रीथिंग को भी काउंट करना है. काउंट इस तरह से करना है कि कितनी बार जो है वो मैं इनहेल कर रहा हूँ, एक्सहेल कर रहा हूँ, इनहेल कर रहा हूँ, इन कर रहा हूँ, आउट कर रहा हूँ. नोटिस व्हेन योर माइंड गोज समवेयर एल्स एंड ब्रिंगिंग इट बैक टू द ब्रीथ, कि नोटिस करना है कि हमारा माइंड जो है वो कहीं और जा रहा है या फिर हमारा माइंड जो है वो हमारी ब्रीथिंग पे है कि हम जो है वो ब्रीथ किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से इन एंड आउट कर रहे हैं, किस तरह से इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं. एंड द लास्ट स्टेप इज ओपन मॉनिटरिंग. एंड ओपन मॉनिटरिंग में अगेन हमारी सेंसेस कि हम जो है वो क्या फील कर रहे हैं, अपनी सेंसेस को फुली फील करना है. हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, हम कौन सा टच फील कर रहे हैं, कौन सी आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं, हम देख क्या रहे हैं. एंड द लास्ट स्टेप इज़ बॉडी स्कैन, कि बॉडी स्कैन जो है वो करना है अपनी बॉडी की, हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, हम किस तरह से जो है वो सांस ले रहे हैं, अपने आप को क्लेम डाउन कैसे करना है, सांसों का जो है वो इन आउट जो है वो उनका रिदम जो है वो कितना रखना है, हमने सांस जो है वो कितनी लंबी लेनी है. तो ये सारा प्रोसीजर जो है ये बॉडी स्कैन के अंदर आ जाता है कि हमने अपनी बॉडी को जो है वो एक स्कैन की पोजीशन में लेके आना होता है, अपनी बॉडी को जो है वो ऑब्जर्व करना होता है, फील करना होता है, स्कैन करना होता है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडे लेक्चर. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.